इक्वली इसके ऊपर ये फैल जाए। और ये जबरदस्त स्नैक है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो चीज़ है हमारे पास, ये श्रेडेड चीज़ है मोज़रेला, आप ये लेंगे और इसको डालेंगे इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे, स्पेशली किनारों पे ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये जगह जो है इस पर फिलिंग थोड़ी सी कम है, तो ये जो है फिलअप हो जाएगा तो ये इसके साथ बहुत अच्छा स्टिक हो जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो स्लाइसेस जो है ना इसके बिल्कुल परफेक्ट निकलेंगे। इस तरह से हम ये डालेंगे। और यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है, इसको मैंने गर्म कर लिया है, उस पर हल्का सा ऑयल लगाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं है। और मुझे लगता है कोने में खड़ा हुआ कोई मुझे घूर रहा है, पता नहीं कौन है, देखती हूँ, चेक करती हूँ जाके। और इस तरह से आपने इसको आप इस तरह कर लेंगे। और ये दूसरी जो रोटी है इसको इसके ऊपर कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये छोटी है, क्योंकि परफेक्ट बेली हुई नहीं है ये, तो आप बड़ी वाली जो इसके साइज़ की है उसको इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसको हम उठा लेंगे बहुत ही एहतियात से इस तरह से, और इस गर्म पैन में रखेंगे। और अब इसकी रफ्तार जो है चूल्हे की वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और ये क्योंकि एक रह गई है तो इससे देखते हैं बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वी विल सी। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हूँ? मैं अतिया बात कर रही हूँ भागलपुर से। कौन? अतिया बात कर रही हूँ। अतिया कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं तो फर्स्ट क्लास। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, और आपके स्मार्टनेस का राज क्या वैसे? स्मार्टनेस का राज है ये जबरदस्त खाना जो मैं हर रोज आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो अगर ऐसे खाने मैं खाऊँ मैं तो बहुत हेल्दी हो जाऊंगी। बस चल आप ज्यादा करें। अच्छा, आप ऐसी करें कि मैं अपना वेट लूज करना चाहती हूँ, तो ऐसी डाइट बताएं जो मतलब कि हेल्पफुल भी हो और उससे वेट भी लूज हो। अच्छा, तो आप बस चीज खाएं, मक्खन खाएं, थोड़ा सा चीनी वीनी खा लिया करें। हाँ जी, और चीज से भी ज्यादा वजन हो जाता है। और खुश रहा करें, खुश रहने से बड़ा वजन कम होता है। ऑनेस्टली नहीं नहीं, आप इसी बताएं मतलब कि किस ऐसी डाइट मुझे जिससे। ऑनेस्टली बताऊं, मैं समझती हूं कि आपको बिल्कुल डाइटिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आपका वेट इतना बढ़ा हुआ है कि आप उसको काबू कर सकती हैं, तो आप क्या करें, अपने दिन में 5-6 स्मॉल मील्स, छोटे छोटे मील्स लिया करें, स्नैक्स ज़्यादा लिया करें। यानी कि जैसे सुबह को आपने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया, और उसके बाद फिर 11 बजे के करीब जो है आप खा लें, क्या चीज़ आप खा लें, थोड़ा सा फ्रूट खा लें, और फिर दही खा लें थोड़ी सी उसके 2 घंटे बाद, फिर उसके बाद दही के बाद आप कुछ और खा लें, लस्सी शस्सी पी लें, या मे भी आपका दिल चाह रहा हो कुछ क्या खाने का, बस हाँ तो खाना नहीं नहीं खाना भी अगर खाए ना तो बहुत थोड़ा सा खाइएगा, और ज्यादा कोशिश करें कि आपकी प्लेट में सलाद ज्यादा हो, और उसके ऊपर आपकी कोई चिकन हो या गोश्त हो या जो भी हो, रोटी थोड़ी सी हो, रोटी आप एक वक्त खाएं, चाहे वो दोपहर में खाएं या रात में खाएं, है ना। तो ज्यादातर कोशिश करें कि खाती रहें हर वक्त, मगर बैठ के वो जो बड़ा वाला मील होता है वो नहीं खाएं। चलें ठीक है। अच्छा, आप मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, आपको उससे भी बात कर लें। अच्छा, कराएं। हेलो हेलो आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, आप कौन बात? मैं तो मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। ठीक हो? बोलो फर्स्ट क्लास हूँ। बोलो फर्स्ट क्लास हूँ। चलो बेटा, आपसे बहुत खुश हुई बात करके। वो असल में आपकी टीवी की वॉल्यूम जो थी वो जरा ज्यादा थी, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और लाइन ड्रॉप हो गई, क्योंकि वो नॉइस को ना हमारे मशीन जो है पता नहीं बड़ी बदतमीज़ मशीन है, बर्दाश्त नहीं करती है ना नॉइस को, उसको बर्दाश्त तो करना चाहिए ना, हम जब इतना शोर बर्दाश्त करते हैं, इस दुनिया में कितना शोर हो रहा है। और शोर से मुझे याद आया, वो फिल्म भी तो थी ना एक शोर, ज़बरदस्त मूवी थी वैसे, राजेश खन्ना की थी आई थिंक, मगर वो बहुत ही उदास से अंकल थे। एनीवेज, छोड़ें शोर की क्या बात करें, पूरी दुनिया में शोर हो रहा है और हम खुद यहाँ पर बहुत शोर कर रहे हैं, मगर कोई नहीं सुनता। बिजली चली जाती है, हम शोर करते हैं, कोई नहीं सुनता। और क्या होता है, और भी बहुत कुछ होता है, हम शोर करते हैं, कोई नहीं सुनता। तो ना सुने, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है शोर मचाना, सुनने वाले सुनते हैं तो सुने, वरना ना सुने। और इस तरह से आज मैं बड़ी बेतुकी बातें कर रही हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, मगर मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में ना थोड़ी सी जान आ जाए। और ये आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है, ये एक्चुअली स्टफ्ड पराठा ही इसको कह सकते हैं, ये बन रहा है यहाँ पे, और ये चीज़ जो है ना ये ज़बरदस्त है, इसके अंदर मेल्ट हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि इसको इस तरफ से दूसरी तरफ से हल्का सा कलर मिल जाए, तो जबरदस्त शोर 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 मचाया मैंने शोर, कुछ इस तरह की कहानी है, नहीं शोर 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 मचाया मैंने शोर, ये कौन सा गाना है पता नहीं, मैंने बनाया है अभी अभी। आजकल तो हम पक्के राग सीख रहे हैं अपने सर सलामत अली से, और उसमें एक राग है बड़ा खूबसूरत, राग बिहाग, मगर मैं आपको सुना नहीं सकती इसलिए कि आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा सुकून से बैठने की चीज़ है, और ये हमारा
प्रोग्राम है चुलबुलाता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, तो इसमें रागों वागों का क्या काम। लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन वो आएंगे, फिर वो ही आपको सुनाएंगे ये राग। वरना अगर मैंने सुना दिया ना आज, तो अभी मैं इसके बाद क्लास पे जाऊंगी प्रोग्राम के बाद, फिर होने वाली है मेरी ज़बरदस्त पिटाई, तो इसलिए मैं रहने ही देती हूँ। और ये दूसरा केसर डिया जो है ये भी जा रहा है, और इस वीकेंड पे मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि मैं गई थी एक अदद दावत में, और हालांकि रिश्तेदारों की दावत थी वो, और मॉडल कॉलोनी वालों मैं आप लोगों के इलाके में आई थी, और मैंने बड़े ज़बरदस्त खाने खाए जो हमारी सीमा भाभी ने बनाए थे। और इस तरह से आप इसको सब कुछ सबका जिक्र हो रहा है ना इस प्रोग्राम में। अच्छा ये हो गया है, अब ऐसा करते हैं हम कि मैं आपको दिखा देती हूँ जो मीठा मैं बना रही हूँ ना, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो थोड़े से ही हैं मेरे ख्याल में, ऐसे ही उठा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो देख रहे हैं आप मिक्स नट्स मेरे पास रखे हुए हैं, जिसमें अखरोट हैं और काजू हैं इसके अंदर, और क्या है आप इसमें पिस्ते बादाम जो दिल चाहे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज़ करूँगी, और उसके अलावा मैंने इसमें क्या एक और चीज़ खास चीज़ यूज़ की है, वो खुबानी जो सूखी खुबानी होती है ना अच्छी वाली जो खाने वाली होती है, वो मैंने यूज़ की है। और केसर डिया को देखते रहते हैं कहीं जल ना जाए, नहीं अभी तो वैसे सही चल रहा है, वो मैंने यूज़ किया। और केला जो है मैं थोड़ा सा डालूंगी बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छा सा बाइंड हो जाए, यानी कि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी नरमाहट और वेलवेटीनेस आ जाए, क्योंकि अगर आप खाली ये डाल देंगे तो फिर ये निकल के जो है उसमें से गिर जाएगा, तो बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप केले की जगह कोई और फ्रूट भी ले सकते हैं, उससे थोड़ी सी फ्रेशनेस भी ऐड हो जाएगी। और ये मैं बनाऊंगी एम्पनाडास, स्वीट एम्पनाडास बनाऊंगी, और इसको हम चेक कर लेते हैं केसर डिया को। और ये देखें आप, बस इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन इज़ गुड इनफ। और दूसरी तरफ से ब्राउन करने के लिए हल्का सा आप चाहें तो साइडों से ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, वैसे आप इसको बटर में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और आई थिंक हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप? मैं ठीक ठाक है। मैं तो बस फर्स्ट क्लास हूँ। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं दो चीजें बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? पहले ये बताएं लाइट है आपके घर पे या नहीं? नहीं पहले लाइट ऑफ थी, अब आ गई है। अब आ गई है? हाँ जी। चलें फौरन से टीवी लगाओ, झटपट देखें। आज मैं बना रही हूँ केसर डिया, एक मैक्सिकन बड़ी जबरदस्त स्नैक है, रोटियों से बनती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा। और दूसरी मैं बना रही हूँ वो भी रोटियों पराठों से बनती है, एम्पनाडा, मैक्सिकन है दोनों, स्पेनिश। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू यार, ये तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कह दिया। अच्छा। अब मैं घर जाके नजर उतार लूंगी, आप लोग मेरी नजर अपनी तरफ से उतार लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बताएं जी, चीज बनाने का तरीका बता दें। चीज बनाने का? हाँ जी। कौन सा वाला? ये मोजरेला चीज, चेदर चीज। अरे मोजरेला तो आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो खत्म ही नहीं होगा, तो फिर कोई सा भी बता। हाँ कोई सा बता सकती हूँ मैं आपको, रिकॉर्डा बता दूंगी। अभी आप और नहीं बता दें? अभी तो जरा प्रोग्राम की ज्यादा बात हो रही है, इंशाल्लाह किसी दिन चीज स्पेशल करेंगे तो उस दिन आपको बता दूंगी। तो वो पता कैसे चलेगा? वो मैं आपको पहले से बता दूंगी। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप प्रोग्राम मेरा हर रोज देखें। ठीक है, क्योंकि किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है, तो जल्द से जल्द बता दीजिएगा। चलें जल्द से जल्द। ठीक है ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और ये भी जबरदस्त रेडी हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। खैर अभी मैं रहने देती हूँ इसको, थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे मेरे पास है एक अदद केला, और ये छुरी जो है क्योंकि मैंने इससे कुछ धनिया पुदीने का काम किया था तो थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको हम धो लेते हैं ताकि खाने की जो स्मेल है, जो नमकीन चीज़ों की स्मेल है, वो मीठों में ना आए। तो ये थोड़ी सी एहतियात की चीज़ें होती हैं। अच्छा नट्स मैंने एक बोल में डाल लिए हैं, और अब ये जो केला है ना इसको भी मैं थोड़े से छोटे छोटे पीसेस करके इसको मैश कर लूँगी इस नट्स के साथ, और इसमें हल्का सा वनीला एसेंस जाएगा। और फिर मैं वो पराठे निकाल के लाऊँगी जो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, और उनकी ख़ास बात यही है कि उनको ठंडा ठंडा इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज़ फिर वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं वो आपके काउंटर से। और इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे नट्स के साथ। अच्छा केला जो है ना ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं, अगर ज़्यादा नरम केला हो तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मैश हो जाएगा। और ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें एक तो बाइंडिंग हो जाएगी, यानी ये जो हमारा नट्स है ना, नट्स का मिक्सचर, ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा ये कि थोड़ा सा फ्रेश टेस्ट भी आ जाएगा। और चाइना में इस तरह के बनाना वॉन्टॉन्स बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, थाईलैंड वाले भी इसको यूज़ करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। मतलब क्योंकि पूरी दुनिया में जो हम इंसान हैं हमने सीखा तो एक दूसरे से ही है, और कुछ चालाकियाँ भी हम एक दूसरे से सीख जाते हैं। तो वैसे मैं कहती हूँ कि चालाक ना ही बने इंसान तो अच्छा है, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना आपकी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी।
और हमारे कॉलर्स बहुत सिंपल हैं क्योंकि वो बेचारे बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उनको कितनी देर डायल करना पड़ेगा। और हमारे साथ एक कॉलर ऑलरेडी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? आप कौन हैं? सुंदर, कल आपको याद आ जाएगा। सुंदर, हाँ कल भी कॉल किया था। ये बताओ, ये तुम्हारा असली नाम है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने बड़ा सोच के बताया था कल, इसलिए मैं डाउटफुल थी कि पता नहीं सही बताया नहीं बताया। नहीं नहीं, मैं झूठी बोलती। अच्छा, वेरी गुड, गुड गर्ल। बोलो सुंदर, कैसी हो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, अभी तो मैं ना कटलेट खा रही थी। अच्छा, और क्या इतने ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये तो मैंने डिजाइन आपका कॉपी कर लेना है। शुक्रिया, मैं क्या करूँ, काश मैं अपने हाथों से कुछ कर सकती अपने ऊपर मगर। और आपने मेरे कजन शाहदेव को हाय नहीं किया, वो इतना नाराज है। कौन वो छोटा? यस यस। क्या नाम था उसका? शाहदेव। हाय शाहदेव, कैसे हो? ठीक ठाक, और क्या कहूँ, ठीक है। बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। और एक मेरी आंटी गुल, मोटी सी प्यारी सी मोटी, ऐसा उन्हें। ठीक है गुल आंटी, थैंक यू शाहेब, मेरी दिल से ढेर सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया, कोई भी नहीं लगता। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुंदर, थैंक यू सो मच। और बस खुश रहें और हमसे आप फरमाइशें करें ये फ्लाइंग किसेस की, और हम पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये केसडिया भी रेडी हो गया, ये स्टफिंग भी रेडी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, वो पराठे निकालते हैं फ्रीजर में से, और गला भी साफ कर लेते हैं। गले में तो आज मेरे कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रही है मुझे, आज तो मैं कोई गाना गा ही नहीं सकती, तो आप लोग मुझे कॉल करें और ज़रा गाने वाले सुनाएं। ये जो मेरे पास पराठा है ना, ये असली वाला पराठा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मौजूद है, और ये अभी बिल्कुल फ्रोज़न है, लेकिन ये हल्का सा जो थॉ हो जाएगा ना, तो इसको मैं काटूंगी इसके राउंड राउंड सर्कल्स इस तरह से, और जब सर्कल आप दो अगर इसमें से निकल जाते हैं, आप वो काट लेते हैं, तो फिर इसको दोबारा से आप पेड़ा बना के और रोल करके इसमें से और सर्कल्स निकाल सकते हैं, और जितने आप जल्दी सर्कल निकालेंगे, जितना जब ये फ्रोज़न होगा तो उतनी जल्दी आपका चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी थॉ हो जाता है। और इसको मैं रख लूँगी एक अदद प्लेट में, और यहाँ से हम प्लेट ले लेते हैं, ये मैंने रख दिया, देखती हूँ एक और अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हाँ यहाँ से निकल जाएगा, परफेक्ट राउंड नहीं निकलेगा मगर निकल जाएगा इस तरह से। ये निकल गया, जैसे ये है ना, अब ये जब थॉ हो जाएगा, यानी कि जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी बर्फ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो इसको मैं दोबारा से पेड़ा बना के इसके और निकाल लूँगी इस तरह के राउंड्स, क्योंकि ज़ाया हमने किसी चीज़ को नहीं करना है। और ये वाला थोड़ा सा ऑलरेडी नरम हो चुका है, इसके भी इसी तरह से हम सर्कल्स निकाल लेंगे। और ये ज़बरदस्त सी चीज़ है और बहुत आसानी है इससे बन जाती है, तो इसलिए आप लोग बस ये सीख लें और इसको बना लें। और इसको आप मीठा बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, कीमे से भी फिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये जो है इसको मैं री रोल करके कुछ बनाऊंगी, चेक करती हूँ अगर ये वाली जो एक रोटी बची हुई है इसमें बन सकता है, मगर मुझे पता क्या लगता है, ये वाली कुछ रोटियाँ जो होती है ना वो चिपकती नहीं है, जैसे ये वाली है ना ये थोड़ी सी पक्की हुई है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा मैदा जो है प्लेट पे बिछा लिया, और मैदे का यही होता है कि अगर आप उसके साथ काम करें तो फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो चिपकती नहीं है। और अब हमें क्या करना है कि हमने ये सर्कल लिया और इसके आधे हिस्से पे बहुत ज़्यादा स्टफिंग आप नहीं डालेंगे, थोड़ी सी आप डालेंगे ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए, इस तरह करके इसको इस तरह से आप बंद करेंगे, और फिर इसके जो किनारे हैं यहाँ से पिंच कर लेंगे। आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर अंडा लगेगा ना इस पर पानी लगेगा, क्योंकि ये है कच्चा पराठा और इसका जो डो है ये इतना नरम है और ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो जाता है या इसके साथ चिपक जाता है, और चिपकना जो है वैसे अच्छी आदत नहीं है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं आपसे तो फिर आपका दिल चाहता है कि बस आप कहीं भाग जाएं। तो लोगों जो चिपकू लोग हैं ना उनको चाहिए कि वो देखें, आप दूसरों की बर्दाश्त को जो है ना आजमाया मत करें। और आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ऐसे कांटा ले लें और इस कांटे की मदद से आप चाहें तो इसको डबल सील कर सकते हैं इस तरह से, तो थोड़े से किनारे इसके खूबसूरत भी हो जाएंगे और थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा, और ये जो है ट्रेडिशनल एम्पेनाडा जो है उसका लुक यही होता है, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस, यानी कि इसका मतलब है कि आप ये भी कर सकते हैं, और इस तरह से अपने कटिंग बोर्ड जिस पर आप रख लें ना उस पर भी हल्का सा मैदा अगर आप फैला लें तो फिर चीज़ें आपकी अगेन चिपकेंगी नहीं। और अब हम दूसरे को करते हैं और इसको बस हमने डीप फ्राई करना है और फिर ये ज़बरदस्त से जो है ना रेडी हो जाएंगे और फिर हम खाने के लिए रेडी हो जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से दोबारा से दिखा देती हूँ कि इस तरह आपने इसको यहाँ से इसके किनारे बंद कर लीजिएगा
और आपकी इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं आप इसको, चूंकि अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको मुस्ततीर बना सकते हैं या आप इसको चौकोर बना सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से सील कर लेना है और ये बहुत सारे आप